सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जरा सतर्क हो जाएं, चाहे आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो डीजीपी आरआर स्वैन ने एक बड़ा स्टेटमेंट कल जम्मू में दिया। अब जम्मू कश्मीर की पहली नज़र यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की पहली नज़र जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर होगी। आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या कोई भी फेसबुक साइट हो, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर अब आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी का भड़काऊ भाषण या अपलोड किया, उसे पोस्ट किया, शेयर किया, किसी को फॉरवर्ड किया या कोई उसके रिलेटेड मैसेज किया, अब आपको अपराधी माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन यानी सीआरपीसी 144 के तहत डीजीपी आर आर स्वैन ने कहा कि एक नया ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर आप कोई भी भड़काऊ भाषण अपलोड करते हैं, कोई उसे उठाकर अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करता है या किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर करता है, उसे फॉरवर्ड करता है या लोगों को भड़काता है अलग अलग तरह से कि व्हाट्सएप में कि देखिए इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह से जो है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अभी आपको बता दें कि एनआईटी श्रीनगर में क्या हुआ। एनआईटी श्रीनगर में एक स्टूडेंट ने जो है एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया, वो हालांकि वीडियो उसका नहीं था, वीडियो किसी और का था, लेकिन उसने अपनी जो है वो प्रोफाइल पर पोस्ट किया, जिसके बाद में आपने देखा कि उस वीडियो में प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिससे वहां का माहौल बिगड़ सकता था। लेकिन पुलिस ने जो है अपनी मुहिम को जारी रखा और पुलिस ने उस स्टूडेंट को पकड़कर अंदर किया और उस पर जितने भी चार्जेस लगते थे वो लगाए और उसके बाद में वहां के माहौल को शांत किया। डीजीपी आरआर स्वैन ने कल जम्मू में एक पत्रकारों से बात की और अपना एक मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की शांति पसंद नहीं आ रही, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर का भाईचारा पसंद नहीं आ रहा और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि किसी भी टेररिस्ट की वीडियो, किसी भी ऐसे सेपरेटिस्ट की वीडियो को अपने प्रोफाइल पर शेयर करना, लोगों को उसके लिंक फॉरवर्ड करना और उन्हें कहना कि देखिए क्या कहा जा रहा है, हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट जो है हर्ट हो रहे हैं, यानी किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ना। डीजीपी आरआर स्वैन ने कहा कि अब उन पर नकेल कसी जाएगी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पहली नज़र रखेगी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिर्फ आपकी पोस्ट को नहीं जांचा जाएगा, आपके कमेंट्स के अंदर भी देखा जाएगा कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, आप किस तरह का स्टफ शेयर कर रहे हैं यानी आप किस तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप किस तरह की बात जो है अपने साथी से कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 144 के अंदर यानी सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंदर जो है एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके चलते जो है सेक्शन 144 के अंदर ही अगर आपने वीडियो पोस्ट किया, आपने कंटेंट पोस्ट किया और वो भड़काऊ हुआ, आपको उसकी जो है वो सजा मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, सज़ा मिलने के साथ साथ आप पर जो धाराएं लगेंगी और ये वीडियो आपने कहां से लिया फिर उस तक पहुंचा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर मैं बताने जा रही हूं वो ये यहां पर निकल कर आती है कि आपका पूरी तरह से अकाउंट खंगाला जाएगा। और अगर आप लोग जो है फेसबुक पर कुछ भी अपलोड करते हैं, अगर आपको लगता है आपके साथी ने किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ किसी के भी जो है वो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की है, आप उसकी शिकायत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। आप पुलिस की मदद करेंगे, पुलिस आपकी आइडेंटिटी को जो है वो क्लोज रखेगा यानी आपकी आइडेंटिटी किसी से भी डिस्क्लोज नहीं करेगा और पुलिस जो है वो अपनी कवायद तेज़ करेगा। जिस तरह से यहाँ पर जो उन्होंने बात कही उसमें एक लाइन जो है वो लिखी है वो क्या है आप सुने कि किसी भी तरह से आप कंटेंट में मैसेज है, वीडियो है, ऑडियो है, कुछ भी जिससे कम्युनल डिसहारमोनी या जिस तरह से टेररिस्ट द्वारा थ्रेट दिया जाता है किसी को भी, आप उसे भी पोस्ट करते हैं, उसे भी जो है इन सब चीज़ों के अंदर लाया जाएगा। और अगर उन्होंने कहा यही वो लोग हैं जो स्कूल और कॉलेजेस को लंबे समय तक बंद करवाते हैं, लेकिन अब स्कूल और कॉलेजेस बंद नहीं होंगे, इन लोगों की दुकानें बंद होंगी। डीजीपी आरआर स्वैन की पहली नज़र आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभल कर चलाइएगा वरना आपके लिए आने वाला समय जो है वो मुश्किल और खतरे भरा हो सकता है।